2011 जनगणना आंकड़ों में बाल लिंग अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। वर्ष 2011 की जनगणना में बाल लिंग अनुपात 918 आंका गया, जो कि वर्ष 961 के बाद की गई जनगणनाओं में सबसे कम है। वर्ष 2001 में ये लिंग अनुपात 927 था। बाल लिंग अनुपात में गिरावट 1961 के बाद से समाप्त नहीं हुई है। ये जन्म के पूर्व भेदभाव, पक्षपात पूर्ण लिंग चयन के माध्यम से और लड़कियों के विरुद्ध जन्म के बाद किए जा रहे भेदभाव दोनों को दर्शाता है। ये गिरावट देश भर में व्यापक है और ग्रामीण और साथ ही साथ आदिवासी क्षेत्रों में भी फैल चुका है। इसी तेज गिरावट के कारण भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम की शुरुआत की है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से किया। ये योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इस योजना की शुरुआत 100 जिलों से की गई है, जो बढ़ा के 161 कर दी गई है। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने वर्ष 2016-17 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए 100 करोड़ की शुरुआती राशि की घोषणा की थी, जिसे वर्ष 2017-18 के बजट में बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है, यानी कि 200 करोड़ रुपए। ICDS आंगनवाड़ी सेंटर्स। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के मुख्य उद्देश्य: बालिकाओं से हो रहे भेदभाव को रोकना, लिंग परीक्षण रोकना और कन्या भ्रूण हत्या को पूरी तरह से समाप्त करना, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, शिक्षा और बाकी सभी क्षेत्रों में बालिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने कई रणनीति तैयार की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जन संचार अभियान, जिसमें बालिका के जन्म को जश्न के रूप में मनाने के साथ उसे शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम बनाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य है कि लड़कियों का जन्म, पोषण और शिक्षा बिना किसी भेदभाव के हो और समान अधिकारों के साथ वे देश की सशक्त नागरिक बने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में हमारा योगदान: परिवार और समुदाय में बालिकाओं के जन्म पर खुशी मनाना। बेटियां गर्व हैं और उन्हें बोझ और पराया धन की मानसिकता का विरोध करना। लड़कों और लड़कियों के बीच समानता को बढ़ावा देने के तरीके खोजना। स्कूलों में बालिकाओं के सुरक्षित प्रवेश के लिए पुरुषों और लड़कों के लिंग छवि और भूमिकाओं को चुनौती देना। अपने बेटों को शिक्षित और संवेदित करना कि महिलाएं और लड़कियां समाज की बराबरी की सदस्य हैं। समाज में लिंग परीक्षण की किसी भी घटना की रिपोर्ट करना। महिलाओं और लड़कियों के लिए पड़ोस सुरक्षित और हिंसा मुक्त बनाने के लिए प्रयास करना। परिवार और समुदाय के भीतर दहेज और बाल विवाह का विरोध करना। सरल शादियों को बढ़ावा देना। महिलाओं के मालिकाना हक और संपत्ति में वारिस होने के अधिकार का समर्थन करना। महिलाओं को बाहर जाने, उच्चतर पढ़ाई, काम, व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित करना। महिलाओं और लड़कियों के प्रति संवेदनशील रहना।